नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को प्लानिंग करने में, शेड्यूलिंग करने में और इस पूरे प्रोग्राम में जो हमें गाइडेंस और लीडरशिप रहा है वो रहा है प्रोफेसर प्रतिभा जे मिश्रा मैडम का। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वर्क एजुकेशन की जो छत्तीसगढ़ स्टेट की कोऑर्डिनेटर है मैम, ये प्रोफेसर मिश्रा मैडम का ही एक कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया और हमने सोचा कि हमारे यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर मिश्रा मैडम के गाइडेंस में, उनके लीडरशिप में हम सेकेंड नेशनल सोशल वर्क वीक सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने ऑल इंडिया से जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके जोड़ने के प्रयास से वीडियोस मंगाए हैं। आइए जानते हैं कि पूरे इंडिया में कहां कहां से हमें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से हमें जो है वो आपके मैसेजेस, आपके ओपिनियन, आपके व्यूज़ हमें मिले। आइए देखते हैं। Hello friends, I am extremely happy to share with you that NAPSU is observing and celebrating second National Social Work Week from 15 to 21st of August 2021. Basically, the main aim is to popularize social work profession and promote it at national level, how social work profession is contributing towards national development. And the specific objective is to, create a platform so that all the stakeholders, including schools of social work, educators, students, scholars and others can express themselves. So we are organizing it at national level, and various programs will be organized during this 1 week program, and these programs will include e-symposium, e-workshops and recognition and award ceremony will also take place, those who have worked tremendously during this COVID period. So as we all know, NAPSU is believing in democratic values also. We are very much conscious about joining hands together, so we invite all the educational institutions across the country to come forward
एंड दे कैन ऑल्सो सेलिब्रेट इट एट देयर ओन लेवल एंड दे कैन ऑर्गेनाइज प्रोग्राम एंड डेफिनेटली ऑन द बिहाफ ऑफ NAPSUI आई कैन से NAPSUI वुड लव टू सपोर्ट देम इन ऑल द मैनर एंड विद दिस आई एम ऑन द बिहाफ ऑफ NAPSUI वंस अगेन इन्वाइटिंग यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन दिस इवेंट. थैंक यू सो मच. सभी को नमस्कार. मैं डॉक्टर गीतांजलि श्रीवास्तव फ्रॉम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर प्रतिभा जी मिश्रा मैम को जिन्होंने राष्ट्रीय समाज कार्य सप्ताह में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया. समाज कार्य एक ऐसा विषय जो मानवता एवं सहयोग की भावना से ओतप्रोत है और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में सदैव से ही एक महत्वपूर्ण अंतर्वस्तु रहा है. ज्ञान की सभी शाखाएं चाहे विज्ञान हो चाहे कला हो चाहे वाणिज्य अथवा प्रबंधन हो सभी में समाज कार्य गतिविधियों को एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है. इतना ही नहीं हमारी भारतीय परंपराओं में समाज कार्य की गतिविधियां सूक्ष्म से लेकर के वृहद स्तर तक के कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखी गई हैं और उन्हें सदैव नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ा गया है. वसुधैव कुटुम्बकम का भाव भारत में समाज कार्य की प्राचीनता को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है. यदि आज के परिवेश में हम समाज कार्य की स्थिति की बात करें तो हम पाएंगे कि समाज कार्य अन्य विषयों की तुलना में अभी मुख्य धारा में स्थापित नहीं हो पाया है. एक व्यवसाय के रूप में जन सामान्य द्वारा उसे स्वीकृति नहीं दी गई है. इसका जो मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि हमने शायद पश्चिमी जो ज्ञान है या पश्चिमी मॉडल है उसको हमने भारतीय समाज में यथावत प्रयोग करने की कोशिश करी है. इसी के साथ मैं संदर्भ लेना चाहूँगी जो ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क है जिसमें इंडिजिनस कल्चर को प्रमोट करने की बात कही गई है. ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि हम समाज कार्य प्रैक्टिसेस को लोकल कल्चर लोकल वैल्यूज़ उन सब के साथ मिक्स करते हुए प्रमोट करेंगे तो हमारा विषय जन सामान्य के मानसिक पटल पर स्थापित होने में बहुत ही सफल होगा. आइए हम सब मिल करके मिलाजुला प्रयास करते हैं कोशिश करते हैं कि हमारे विषय को उसका वांछित स्थान प्राप्त हो और ये जन सामान्य द्वारा अन्य विषयों की भांति स्वीकार किया जाए. धन्यवाद. नमस्कार. मैं डॉक्टर शशि चंदा समाज कार्य विभाग काशी विद्यापीठ वाराणसी का मैं एलुमनाई हूँ. वर्तमान में मैं वाटर एड इंडिया संस्था के साथ में कार्यरत हूँ और समाज कार्य विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने साथियों को व जो नए छात्र छात्राएं इस शिक्षा में हैं अभी जो समाज कार्य के विद्यार्थी हैं अभी उनके लिए मैं एकमात्र संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज कार्य विषय अपने आप में बहुत खास विषय है और इसकी खासियत ये है कि ये मानव जीवन से सीधा जुड़ा हुआ विषय है. तो समाज कार्य की शिक्षा लेने के उपरांत यदि हम डेवलपमेंट सेक्टर में सीधे तौर पे अपना योगदान दे पाते हैं ये मौका मिलता है तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता. डेवलपमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे स्कोप हैं बहुत संभावनाएं हैं बहुत अवसर हैं इस सेक्टर में. तो अगर वो सीधे तौर पे इस सेक्टर में आके और अपना योगदान देते हैं जो शिक्षा लिया है उसके अनुरूप यदि योगदान नहीं दे पाते हैं और वो दूसरे किसी भी सेक्टर में रहते हैं तो मेरा मानना ये है अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं जो समझ पाया हूँ ये कि जो समाजकार के फंडामेंटल्स हैं जो समाजकार के मूल सिद्धांत हैं यदि वो अपने जीवन में उनको अपनाते रहें लगातार उसका प्रयोग करते रहें तो न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि वो जिन भी सेक्टर में रहेंगे जहां भी वो काम करते रहेंगे वो अपना बेहतर दे पाएंगे और वो समाज के हित के लिए बेहतर शायद वो काम कर पाएंगे. अगर शायद तभी जो है जिस सोच के साथ में समाजकार विषय की परिकल्पना की गई थी जिस सोच के साथ में समाजकार विषय की स्थापना की गई थी मेरे ख्याल से तभी ये सार्थक भी हो पाएगा कि लोग जो हैं इसके शिक्षा जिन लोगों ने इसकी ग्रहण की है जो इसके विद्यार्थी रहे हैं आगे लेंगे वो इसके फंडामेंटल्स को इसके मूल सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें तभी ये विषय और इसकी प्रासंगिकता जो है वो सार्थक होगी. बहुत शुक्रिया. नमस्कार. मेरा नाम है आकृति ताम्रकार सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क गुरुघासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड मैं कुछ कहना चाहती हूँ सेकेंड नेशनल सोशल वर्क वीक के बारे में. ग्रीटिंग्स फॉर एवरीवन
एंड मुझे बहुत खुशी है कि हम दूसरी बार नेशनल सोशल वर्क वीक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. रिगार्डिंग दिस माय मैसेज टू यू दैट हम जिस प्रकार सोशल वर्क करते हैं और लोग करते हैं, हम हमेशा फ़ोटोज़ लेते हैं और वीडियोस बनाते हैं, इससे हम लोगों को अवेयर करते हैं. बट आज हमें इस बात की ज़रूरत आन पड़ी है कि हम लोगों को सोशल वर्कर बनाएं, क्योंकि समाज में लोग अपने अधिकारों के लिए काम करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति वे उदासीन हो जाते हैं. और आज हमारी ये ज़रूरत है कि हर व्यक्ति सोशल वर्कर बने और समाज की सेवा करे, प्रकृति की सेवा करे. क्योंकि आप SDG गोल्स को जब पूरा करने के लिए आगे आएंगे, या अभी जो SDG सूचकांक आया है जिसमें भारत का स्थान 120वां है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के हर व्यक्ति को सोशल वर्कर बनने की कितनी ज़रूरत है. इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी लोगों को समाज सेवा की ओर प्रेरित करेंगे. जय हिंद, जय भारत. माई ग्रीटिंग्स टू एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई वॉर्म विशेस टू होल सोशल वर्क फ्रेटर्निटी इन इंडिया फॉर अपकमिंग सेलिब्रेशंस ऑफ सेकेंड नेशनल सोशल वर्क वीक विच इज बींग ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम 15th ऑफ ऑगस्ट टू 21st ऑफ ऑगस्ट in collaboration with NAPSWI. It is indeed a great honor for me to be a part of this celebration. I applaud the efforts of Professor Pratibhaji and her team for taking up this initiative to bring out a documentary film on social work profession in India, and thank her for making me a part of this initiative. What I think is the main aim of the celebration of National Social Work Week is to promote social work education and social work profession and fulfill the primary mission of enhancing human well-being and work for the empowerment of vulnerable, marginalized and oppressed people of the society. Social work as a profession is characterized by the approaches that make this field of science a very special one and prioritizing over other fields. There are professional goals, there are professional ethical values and systemic vision that forms the basis of social change and social justice. But still, there is a need to develop the scientific foundations of social work. What I think is focusing on strengths is always important in social work. Collaborating with other social workers and being part of interdisciplinary units can help in many ways. Social workers value interpersonal relationships, teamwork and trust. I hope that these celebrations will motivate social workers nationwide to stand together to celebrate the achievements of our profession and take the message to make the wider community more aware of the positive contributions of the profession. A single social worker can influence and bring change in the lives of many people. And since 1936, with the establishment of first school of social work at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, we have produced generations of them. It is our responsibility to carry forward this legacy of social work. Hello friends, I'm Dr. Avtar Singh from Department of Social Work, Bhimrao Ambedkar College. My understanding and my message to all the participant or member that social work is a practice-based profession, an academic discipline which promotes social change, development, empowerment and liberation of people. Principle of social justice, human right and respect for diversity are central to social work. Since very long time, the practice in social work have changed
from the last two decades and have developed in orientation toward vulnerable and marginalized section of society, groups such as children, women, old age people, disability, unemployed, needy family, and all sort of the disadvantaged group or people living in below the poverty line and marginalized section of society. So it is a time not only to work on establishing a fund for social security, measure which include retirement benefit, provident fund, pension benefit schemes, but also to have organizations which can provide social service to these vulnerable section. I think this is the right time to we provide social security measure for the all whosoever be affected in pandemic time or because of this pandemic situation, or that lot of people they are facing so many issues and problem that we as a social worker have a great responsibility to look after their need and problem and their issues. I think we all have to unite together to fight against the all kind of the issues arising out of this pandemic situation. And I think we all organizations as an academic institution, practitioners, civil societies all have to come together to extend all kind of support and help to the people who are suffering from social, economical, psychological, emotional problem they are facing. I think that is the right time that we all have to extend our help and support in whatsoever manner. I think that is the clear-cut understanding we developed through different sort of the seminar, webinar, or all sort of the platform we have created for that. So we have to keep going like this, and we have to work very hard to achieve our goal and target, and that is, I think, we have to work. With this, I wish all of them to achieve their goal and target in this manner. Thank you so much. Namaskar. I'm Dr. Manju Pawar from the Department of Social Work, BPS Women University. It is the first women university in North India, and I'm sharing some of the implications which may be instrumental in strengthening our social work profession. And these suggestions are based on my experience as a practitioner, academicians, and administrator. First, we need to revise our social work syllabus because India is so immense and culmination of many states, languages, religions, and diversified culture. So we need to tailor our syllabus as per the needs of the society. And we have great Indian thinkers like Swami Vivekanand, Rabindranath Tagore, Baba Amte, Anna Hazare, Durga Bhai Deshmukh. In fact, Durga Bhai Deshmukh is known as the mother of social work in India. But very few social work institutions know about this. S.K. Day, he was the one who started community development program in India. So case studies of such personalities need to be taught and researched in social work practice. Secondly, a lot of importance is given on university community engagement across the world. In order to make community university engagement successful, it is high time that universities should promote social responsibility by mainstreaming indigenous knowledge available in the community. Practice of community engagement not only benefit the universities, but students and communities also develop their capacity to handle the things in more efficient manner. Yes, the wide gap between universities and communities cannot be bridged overnight. Rather, it requires collaborative efforts from every stakeholders, be it teacher, NGO, non-government organizations, civil-based organizations, or community-based organization. So in order to make our social work profession vibrant, the need of the hour is to include indigenous practice in our syllabus, but also organize training, workshops, seminar, conferences, and conduct research in tune with the social work practice. Thank you. Namaskar. आइए
इस 15 अगस्त को जब हम आज़ादी का 74वां पर्व बनाएं, उस समय भारत को गरीबी से मुक्त करने, आत्मनिर्भर बनाने, समाज कल्याण हेतु दिन रात एक कार्य करने वाले समाज कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अब की बार द्वितीय राष्ट्रीय समाज कार्य सप्ताह के रूप में मनाएं, जो कि 15 से 21 अगस्त 2021 तक वर्चुअल मोड में किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि समाज कार्य में रुचिकर विद्यार्थियों, शोधार्थियों, समाज कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक संगठन, नागरिक संगठन, आचार्यों, प्रचारियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि 15 से 21 अगस्त 2021 तक समाज कार्य की दूसरे सप्ताह के रूप में भाग लेकर इसे सफल बनाएं और गांधी जी के द्वारा, विनोबा जी के द्वारा, नाना जी देशमुख के द्वारा जो भारत का सपना देखा था उसे पूर्ण करने के लिए जो समाज कार्य की तकनीक, समाज कार्य के सिद्धांत, समाज कार्य के विशेष उपागमों के माध्यम से कैसे पूर्ण किया जा सकता है उसे मिलकर पूर्ण करें। तो आइए इस आज़ादी के अवसर पर हम लोग एक साथ में दो पर्व बनाएं, एक आज़ादी का, दूसरा हमारे राष्ट्रीय समाज कार्य सप्ताह के रूप में। आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ज्यादा से संख्या में इसमें भाग लें तथा अपने जो भी परिचित मित्र और जो समाज कार्य में रुचि रखते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समाज कार्य सप्ताह का उद्देश्य केवल और केवल समाज कार्य के माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, किस प्रकार से राष्ट्र में व्याप्त सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आइए इस आजादी के अवसर पर हम इसमें भागीदारी लेकर भारत में सामाजिक समस्याओं से मुक्त करने हेतु तथा भारत को विकास की राह में ले जाने में अपना योगदान दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं अनुजा कौशिक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सोशल वर्क वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे विचार में ये एक अच्छा मौका है अपने प्रोफेशन को पर्याप्त सम्मान दिलाने का और समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को और बेहतर ढंग से बुलंद करने का। मुझे गर्व है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने पर, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता ही समाज के अंदर जाकर उसमें फैल रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और समाज के लोगों को एम्पावर कर सकता है ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें अपनी हेल्प खुद करने को। आज भी जब मैं नशावर्ती के कारण घरों को टूटते हुए देखती हूँ, महिलाओं के प्रति शोषण होते हुए देखती हूँ और ये देखती हूँ कि महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता है और बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार को होते हुए देखती हूँ, बच्चों में संस्कारहीनता को के कुछ उदाहरण देखती हूँ और घूंघट प्रथा है, दहेज प्रथा अब जो अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जब मैं इस तरह की समस्याओं को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी समाज के अंदर जाकर बहुत काम करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे किशोरावस्था में जब अवसाद के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या की तरफ कायरतापूर्ण कदम बढ़ा लेते हैं तब भी एक सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पर अपना योगदान दे सकता है उनकी काउंसलिंग करके। और समाज में टूटते बिखरते रिश्ते, सिमटता हुआ समाज और अपना जो संस्कृति की अपनी बच्चों का अपनी संस्कृति से विमुख हो जाना, ये सब समस्याएं हैं जहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सोशल सॉलिडेरिटी एंड ग्लोबल कनेक्टेडनेस की तरफ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और समाज को बहुत मजबूत बना सकता है। यही कहना चाहूँगी कि सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, उनको सशक्त बना सकते हैं और दे कैन डू मिरेकल्स इन द सोसाइटी। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रविंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर in Dr. Bhimrao Ambedkar College, Department of Social Work, University of Delhi. On this occasion, I am thankful to organizer for giving me this opportunity to say something
on this occasion. As you all know, at this juncture, nowadays we are celebrating Social Work Week, and we must have to understand the social fabric of society that is based on interconnectedness and interdependence. Now, society expects more from social work fraternity to intervene during this pandemic. So, this crisis gives an opportunity for new innovations to equip ourselves for the betterment of society. So, we should not forget the value of charity, service, cooperation, justice, equality, on which the social work profession is lying on. So these are very important, and we must look into that and must practice. As an charity, we may use this as a relief. It also acts as a therapy, and not only that, we use this charity as a mechanism for empowerment, because over the period of time we must forget, so we must have recall those values that we are practicing. And at last we must say the social work intervention be effective when we apply intersectoral approach, and it is essential to all of you that we may apply in this community-based planning, monitoring, and monitoring for health and education, etc. So this knowledge of social work is helpful in mapping impact of COVID-19 on the basis of gender, age, community, religion, caste, and physical locations. So this nowadays the social work practice or social worker nowadays are engaged at various level, such that in advocacy. नमस्कार, मेरा नाम दीपिका सिंह बैस है. मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की पूर्व की छात्रा. और अभी हमारा बिलासपुर स्मार्ट सिटी में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हम रिसाइकल में काम कर रहे हैं. जैसे कि अभी इस समय नेशनल सोशल वर्क वीक चल रहा है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सोशल वर्क है लाइक अ गेम चेंजर, उसने काफ़ी सारी चीज़ें देखने का नज़रिया चेंज किया. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को. हमारी HOD मैम, जब हम पढ़ रहे थे तब हमारी HOD थी प्रोफेसर प्रतिभा जी मिश्रा मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार कि उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को हमने काफ़ी आगे बढ़ाया और हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में ही हमने हमारा स्ट्रीम रहा है. और मैम ने काफ़ी अच्छे से बारीकी से पढ़ाया हुआ है हमें, और देखने का नज़रिया काफ़ी चेंज हुआ अगर कहूँ तो, मतलब लाइक अ गेम चेंजर. और जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, मैं तो यही कहूँगी कि सोशल वर्क काफ़ी अच्छा स्ट्रीम है, लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जो सोशल वर्क है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में वैसा मौका नहीं मिलता जो सोशल वर्क के डिपार्टमेंट में मिलता है. आपको एक ओहदा मिलता है कि आप इस समाज के लिए कुछ कर सकें. तो सबको धन्यवाद बोलूँगी कि इस सोशल वर्क डिपार्टमेंट को हम, मतलब आप सब आगे बढ़ा रहे हैं, और सोशल वर्क के हम इतने बड़े फैमिली हैं कि हम सब इकट्ठा हैं. और इसी के साथ साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए धन्यवाद. नमस्ते, आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस नेशनल सोशल वर्क वीक सेलिब्रेशंस. आई कन्वे माय ग्रीटिंग्स एंड विशेस टू ऑल द सोशल वर्क फ्रेटर्निटी for this National Social Work Week. On this occasion, I would like to emphasize on the ways to promote social work profession in India in order to helping the needy people. We all social work educators need to give more attention
on imparting necessary social skills to the BSW MSW students and training them on primary methods so that they can handle the individuals, groups and communities problems effectively. Next, I wish to emphasize on Indianizing the social work curriculum according to Indian situation and conditions. Also bringing Indian literature. It will make our students to be the change makers in future and can contribute to solve the problems existing in the country. Thank you very much. I once again convey my wishes for the National Social Work Week. Hello, this is Raja Chaudhary, Faculty, Ambedkar College, Delhi University. So I am here to talk about the some of the point important related to the social work when it is started in the India. Actually, I am focusing the Indian history. That was the everybody knows about the Tata Institute of Social Sciences. That is the first prime institute of the social work education, and then the simultaneously the YWCA and then the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Department of the Social Work. Earlier, initially, it was the master degree in applied sociology, and Professor Rajaram Shastri, Padma Vibhushan Professor Rajaram Shastri, have initiated this course in that time because he was there from the Chicago University, US, and he learned very minutely the social work, how to do the social work and what are the needs of the social work. After independence in India, what were the needs? He initiated that social work department in the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, and I am the privileged one, and I am the proud granddaughter of him. So I have some of the knowledge about that. And then here what I understand about the social work, there are two things I can mention: the old social work and the new social work, right? So initially social work started for the to remove the poverty and as well as the inequality, and now the profession of the social work is very, very systematic pattern. So we go with the system, we go with the process, and we go with the work with the passion, right? So now the important skills you should know, and what are the important things you have to know, you have to that particular thing in your hand. That is the I can consider the four skills, the very important skills. That is the, you can say, the learning skill, the employability skill, personal empowerment, active citizenship. That is the learning skills, so creativity, critical thinking, and the problem solving skill. And then employability, cooperation, negotiation, decision making, and the personal empowerment, communication, resilience, and self-development. And the active citizenship, respect for the diversity, empathy, and the participation. And then I can say the future of social work, that is very important. What I see is you have to have that quality to balance between the spirituality and the practicality, then only you can be a very good social worker. And then obviously the counseling is very important. Thank you so much.